हेलो एवरीबॉडी, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक इंडिकेटर्स। देखो, अब आप पढ़ा था ना कि जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं और जो कड़वे होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन हर एक जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है तो आप उसको टेस्ट करके थोड़ी देखोगे। कुछ आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये एसिड है या ये बेस है, और इन्हीं सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। ओके, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच इज यूज टू फाइंड वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। और वो कैसे होता है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं शोज डिफरेंट कलर्स एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में ये अलग अलग कलर्स दिखाते हैं, और इनमें जो सबसे ज्यादा कॉमन, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो होता है लिटमस। ठीक है, लिटमस हम पेपर मार्केट से भी खरीद सकते हैं। दो तरह के होते हैं, रेड एंड ब्लू। ठीक है, अब लिटमस क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिकन्स एंड इज अ पर्पल इन कलर। पर्पल होता है और लिचन से हमें ये मिलता है। इट्स कलर चेंजेस टू रेड एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये रेड हो जाएगा, यानी जो ब्लू वाला पेपर आप लाओगे वो रेड हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में ये ब्लू हो जाएगा। ओके, इट कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की फॉर्म में ये यूज होता है, और अक्सर पेपर स्ट्रिप होती है, लिटमस इज डिप्ड इन लिटमस सोल्यूशन एंड अलाउड टू ड्राई। एक पेपर स्ट्रिप है, उसे लिटमस सोल्यूशन में हमने ड्रॉ कर ली, डिप कर लिया और उसे सूखने को रख दिया। और ऐसा ही पेपर स्ट्रिप जो होता है वो लिटमस पेपर होता है। ये देखो एक्टिविटी कर रखी है ना। अब एक लेमन जूस लिया, लेमन जूस में जब आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड। वेन ब्लू चेंजेस टू रेड, दिस मीन एसिड इज देयर। एंड वेन रेड चेंजेस टू ब्लू, जैसे आप सोप सोल्यूशन में देखोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेड जो है वो आपका ब्लू हो जाएगा। देखो, इस पे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैंने आप लोगों को, हाँ, हमने तीन टेस्ट ट्यूब ली, एक में एसिड है, एक में वाटर है, और एक में एसिड बेस वाटर। तीनों में तीन टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में वाटर है। तीनों चीजें हो गई। अब मैंने आपको दे दिया रेड लिटमस पेपर, सिर्फ रेड लिटमस पेपर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में सिंपल वाटर है, यानी न्यूट्रल सोल्यूशन है। जब वो एसिड नहीं होता, बेस नहीं होता, तो वो न्यूट्रल होता है। ओके, अब आपके पास रेड है, देखिए आप क्या करेंगे, आप तीनों में ड्रिप करेंगे। जो वाटर होगा उसमें कलर चेंज नहीं होगा, जो एसिड है उसमें भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिड ब्लू टू रेड करता है। ओके, एक में चेंज होगा रेड टू ब्लू। अब जिस टेस्ट ट्यूब में रेड टू ब्लू चेंज हुआ वो आपका है बेस। अब आपकी एक टेस्ट ट्यूब अलग हो गई, आपके पास ब्लू कलर आ गया, अब दो बचे। अब उन दोनों में डिप करो, जिसमें ब्लू से रेड होगा वो आपका है एसिड, और जो बच गई टेस्ट ट्यूब उसमें आपका है वाटर। ओके, तो ये ऐसे यूज होता है। अब इसके अलावा ना हमारे और भी हैं, जो बेसिक हम अपने घर में यूज करते हैं वो है टर्मरिक। कभी आपने देखा है, अगर हमारे खाते हैं हम खाना और उस पे अगर हमारा सब्जी वगैरह वेजिटेबल गिर जाता है, तो हम लोग अपनी वेजिटेबल्स में क्या डालते हैं, टर्मरिक डालते हैं, हल्दी। अब जब हम उस पे साबुन लगाते हैं, सोप लगाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, रेड हो जाता है। ठीक है, तो टर्मरिक जो है वो आपके बेसिक मीडियम में रेड हो जाता है। इसमें एसिडिक का कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिड में कोई नहीं कलर चेंज होगा। तो टर्मरिक जो है, जो वो इंडिकेटर है, वो बेस का है। एक ऐसा ही आपका है फेनोफ्थलीन, ये कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, लेकिन पिंक होता है बेसिक मीडियम में। ओके, और ऐसे और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपके इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करने में मदद करते हैं वेदर गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस।